हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर नंबर ट्वेंटी टेल हाउ मैनी बताओ कितने टेल हाउ मैनी मतलब बताओ कितने टेल हाउ मैनी कम लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस गेम ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन ए सर्कल तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कम लेटस प्ले अ गेम टूगेदर चलो साथ में मिलकर एक गेम खेलते हैं यू मस्ट बी फेमेलियर विद दिस गेम आप ये गेम से परिचित ही हो गए ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन ए सर्कल सारे बच्चों को क्या करना है सर्कल में खड़े रहना लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून चलो अभी एक बच्चे को क्या करना है बीच में खड़े रहना है सेंटर में और एक धुन बजानी है प्ले अ ट्यून मतलब एक धुन बजानी है एवरी वन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेस तो सभी बच्चों को क्या करना है फिर सर्कल में भागना है एवरी वन मस्ट रन इन ए सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेस जब तक म्यूजिक बजता है तब तक सभी बच्चों को सर्कल में भागना है द चाइल्ड वू इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट ए नंबर लाइक फाइव फोर और टू लाउडली तो जो बच्चा म्यूजिक बजा रहा है बजा रहा है उसे क्या करना है सडनली फिर म्यूजिक स्टॉप कर देना है अचानक से म्यूजिक को स्टॉप कर देना है और फिर उसे जोर से कोई भी एक नंबर बोलना है लाइक फाइव फोर या फिर टू ऐसे कोई भी नंबर उसे जोर से चिल्लाना है बोलना है मतलब कि लाउडली चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू नंबर कॉल्ड आउट जो भी नंबर वो जो बीच में जो बच्चा खड़ा है वो नंबर बोलता है उसी हिसाब से बच्चों को क्या करना है एक ग्रुप बनाना है अगर फोर बोले तो फोर जन का एक ग्रुप बनाना है टू बोले तो टू जन का ग्रुप बनाना है सभी बच्चों को क्या करना है अगर टू नंबर बोला तो टू टू का ग्रुप बनाना है द चिल्ड्रन वो कैन नॉट जॉइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम फिर लास्ट में जो बच्चा ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता है वो बच्चे को क्या करना है गेम को छोड़ देनी है कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली टू चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल आप लोगों को गेम को कब तक कंटिन्यू करना है चालू रखना है जब तक लास्ट में दो बच्चे ना बच जाए तब तक आप लोगों को गेम चालू रखनी है

अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर वाई तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वॉट डिड यू डू वैन यू आर आस्क टू जॉइंट ए ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर वाई जब भी तुम रिक्वायर्ड नंबर का ग्रुप बनाने को कहोगे तो क्या होगा सो आंसर इज वैन आई वॉज आस्क टू ज्वाइन ए ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड एंड क्विकली फ्रेंड्स टू फॉर्म द करेक्ट ग्रुप तो जब भी रिक्वायर्ड नंबर का ग्रुप फॉर्म करना होगा तो क्या करेंगे हम फटाफट से जितने भी नंबर का ग्रुप बोला है वो नंबर का ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे क्विकली फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन हो जाएंगे करेक्ट ग्रुप बनाने के लिए नेक्स्ट हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप अगर आप एक भी ग्रुप जॉइंट नहीं कर सकोगे तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा सो आंसर इज वैन आई कुड नॉट जॉइन एनी ग्रुप आई फेल्ट वेरी सैड तो हम कैसा महसूस करेंगे सैड महसूस करेंगे आई फेल्ट एज इफ आई हैड गॉन अवे फ्रॉम एवरी वन बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ द गेम तो अगर हम आउट हो जाएंगे ना फिर कोई भी ग्रुप को ज्वाइंट नहीं करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा सैड फील करेंगे हम फिर नेक्स्ट नंबर थ्री वाई कुड यू नॉट ज्वाइंट एनी ग्रुप आपने एक भी ग्रुप ज्वाइंट नहीं किया वेन वी हैड टू मेक अ ग्रुप विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉल्ड माई फ्रेंड्स टू मेक द ग्रुप बट दे already made the required group so I was left alone and could not join any group nor could I make my own group to so, तो आप जॉइन क्यों नहीं कर सके कोई भी to तो जब group ग्रुप बनाना था स्पेसिफिक नंबर का तो मैंने अपने दोस्तों को बोला लेकिन उन्होंने ऑलरेडी ग्रुप बना दिया था रिक्वायर्ड नंबर का और फिर मैं अपना खुद का भी ग्रुप नहीं बना सकता था इस वजह से मैं कोई भी ग्रुप ज्वाइंट नहीं कर सका नेक्स्ट इन स्कूल वोम डू यू लाइक टू बी मोर विथ वाई आप स्कूल में किसके साथ ज़्यादा रहते हो और क्यों रहते हो तो आंसर आपके हिसाब से आप कह सकते हो कि येस इन माई स्कूल आई लाइक टू बी मोर विथ माई फ्रेंड बीना आपकी जो भी फ्रेंड है उसका नाम आप लिख सकते हो बिकॉज इज़ ऑल्सो माई नेबर और वो मेरी दोस्त भी है और स्कूल में भी मेरे साथ स्टडी करती है वी गो टू स्कूल टूगेदर एंड सीट बी साइड इचर इन क्लास हम साथ में स्कूल में जाते हैं और हम क्या करते हैं सीट बी साइड इचर इन क्लास एक साथी बैठते हैं या फिर आगे पीछे बैठते हैं आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर हाउ वड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन आप हमेशा अलोन मतलब कि अकेले ही रहोगे तो आपको कैसा महसूस होगा हाउ वड यू फील कैसा फील करोगे आप तो इफ आई ऑलवेज हैड टू बी अलोन आई वुड फील वेरी सैड आई वुड फील वेरी लोनली तो हम कैसा महसूस करेंगे थोड़ा सा दुखी महसूस करेंगे और अकेलापन महसूस करेंगे राइट right, स्टूडेंट अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो हमें अकेलापन महसूस होगा चलो अभी लुक इन टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन ऑल ऑफ अस प्रीफर टू लिव विथ पीपल देन टू लीव अलोन हम सभी क्या प्रीफर करते हैं अकेले रहने की वजह हम क्या प्रीफर करते हैं कि हम सभी साथ में रहे ग्रुप में रहे वी ऑलवेज लीव इन ग्रुप्स लेट सी वन सच ग्रुप देवेंद्र मंजुला एंड देर चिल्ड्रन दिव्या एंड मानव तो चलो अभी हम एक ग्रुप के बारे में देखेंगे देवेंद्र मंजुला और उनके बच्चे दिव्या एंड मानव के बारे में हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर ये लोग एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं सो द पीपल इन द पिक्चर बिलोंग टू वन फैमिली जो यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया गया है वो क्या है एक फैमिली है एक परिवार है सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज तो हमने ऐसे कई सारे पिक्चर्स देखे होंगे फैमिलीज के कई सारे पिक्चर्स हम देखते हैं ऐसे वेर डू वी सी सच अ फैमिली तो हम कहाँ पर ऐसी फैमिली देखते हैं ऑल आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन लेट रीड अबाउट ऑफ यू फैमिलीज क्या सभी फैमिली इस फैमिली की तरह ही सेम होती है तो चलो अभी उसके बारे में हम रीड करेंगे सीता सीता लिव्स इन हर एंस्ट्रल हाउस इन ए नेम सूरत सो सीता कहाँ पर रहती है एंस्ट्रल हाउस मतलब उनके जो पूर्वजों का घर है सूरत में वहां पर वो रहती है हर दादा दादी यंगर काका एंड फोई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर उनके जो दादा दादी उनके जो यंगर काका मतलब जो छोटे काका है और फोई कहां पर रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं मतलब जो नीचे का फ्लोर होता है उसे कहते हैं ग्राउंड फ्लोर तो वो वहां पर रहते हैं इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीता लिव्स विथ हर फादर मदर एंड यंगर सिस्टर गीता तो फर्स्ट फ्लोर पर जो फर्स्ट पोर्शन होता है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का जो फ्लोर होता है तो वहां पर सीता फिर उसके जो फादर मदर और उसकी छोटी बहन गीता यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन गीता वो लोग रहते हैं इन अदर पोर्शन लिव हर एल्डर काका एंड थ्री चिल्ड्रन एक पोर्शन में जो फर्स्ट फ्लोर है उसका जो एक पर्शन पोर्शन है वहां पर कौन रहता है सीता की फैमिली रहती मतलब उसके फादर मदर और यंगर सिस्टर और जो दूसरा पोर्शन है वहां पर उसके एल्डर काका का रहते हैं और उनके तीन बच्चे रहते हैं हर एल्डर एल्डर काकी काकी डाइड जस्ट फ्यू मंथ्स अगो। उनकी जो एल्डर है वो थोड़े महीने पहले गुजर गई है डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स एगो हर एल्डर काका एंड न्यू काकी लिव इन वन ऑफ द रूम ऑन द टेरेस दे आर न्यूली मेरीड और उसके जो एल्डर काका है और जो न्यू काकी है वो कहाँ पर रहते हैं लिव इन दन ऑफ द रूम ऑन द टेरेस टेरेस का एक रूम है वहाँ पर वो लोग रहते हैं और वो लोग उनकी क्या है न्यू न्यूली मेरीड मतलब कि नई नई शादी हुई है बिफोर डिनर सीताज मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन खाने के पहले डिनर मतलब रात का खाना तो रात का खाना जब भी वो खाते हैं उनके उससे पहले सीता की जो मदर है वो क्या करती है बच्चों को सिखाती है टीचर्स ऑल द चिल्ड्रन पढ़ाती है टीचर्स मतलब स्टडी कराना पढ़ाना फूड फॉर ऑल द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर और जो खाना है वो कहाँ पर बनता है पूरी फैमिली के लिए जो ग्राउंड फ्लोर में किचन है वहाँ पर बनता है दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम वो लोग डिनर टाइम में सभी साथ में रह सके इस वजह से वो क्या करते हैं स्पेशल एफर्ट लगाते हैं नावर डेज एल्डर काकीज यंगर डॉटर्स लिप्स विथ नाइट। जो उसकी एल्डर काकी है उसकी जो यंगर डॉटर मतलब की बड़ी बेटी है वो अभी सीता की मदर के साथ रात में सोती है इन द मॉर्निंग सीता गेट रेडी फॉर स्कूल और सुबह में सीता उसे क्या करती है स्कूल में जाने के लिए रेडी करने के लिए उसे मदद करती है थिंक एंड टेल हाउ ऑल आर देयर इन सीताज फैमिली सो so, पर क्वेश्चन क्या है कि हाउ ऑल आर देर इन सीताज फैमिली कौन कौन है सीता की फैमिली में सो देर आर सीता हर पेरेंट्स यंगर सिस्टर गीता दादा दादी फोई एंड एल्डर काका एंड ही थ्री चिल्ड्रन एंड ओल्डर काका एंड काकी लिव इन द रूम ऑन द टेरस तो ये सभी लोग सीता के साथ रहते हैं सीता के फैमिली मेंबर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली तो फैमिली में जो डिफरेंट पीपल है वो लोगों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है सो द आंसर इज द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट पीपल ऑफ द फैमिली इज एज फॉलो काका फादर एल्डर काका एंड यंगर काका आर फोर ब्रदर्स कितने भाई हैं चार भाई है तो कौन से कौन से काका फिर फादर एल्डर काका एंड यंगर काका ये चार भाई है दे है उनको एक बहन भी है तो ये सारे पांचों जन मिलकर क्या हो गए जो सीता के दादा है उनके पांच बच्चे हो गए सीता एंड गीता आर सिस्टर सीता और गीता क्या है सिस्टर है एल्डर काका इज फादर्स एल्डर ब्रदर एंड काका एंड यंगर काका आर फादर्स यंगर ब्रदर एल्डर काका है थ्री चिल्ड्रन और जो एल्डर काका है उनको कितने बच्चे है तीन बच्चे है तो इस तरह से उन लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है नेक्स्ट इन द लास्ट वन ईयर व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपन इन द फैमिली एक साल में उनके फैमिली में क्या क्या चेंजेस हुए हैं सो आंसर इज द चेंजेस दैट हैप्पन इन द लास्ट वन ईयर आर दैट वन काका गॉट मैरिड एक काका है उनकी शादी हो गई थी सो देर इज अ न्यू काकी इन दाउस इस वजह से उनके घर में एक न्यू मेंबर का एंट्र एक न्यू मेंबर आ गई थी तो वो कौन थी उनकी काकी थी एल्डर काका पासड अ वे ऑफ फ्यू मंथ अगो एल्डर काका यंगर डॉटर लिप्स विद सीता मदर एट नाइट और जो एल्डर काका थे उनकी जो काकी है मतलब उनकी जो वाइफ है वो फ्यू मंथ्स अगो ही क्या हो गई थी डाइड हो गई मतलब कि मर गई थी इस वजह से जो एल्डर काका है उनकी जो बड़ी बेटी है सॉरी यंगर डॉटर है छोटी बेटी वो क्या करती है सीता की मदर के साथ सोती है इन द मॉर्निंग सीता हेल्प सर टू गेट रेडी फॉर स्कूल और सुबह में सीता उसकी जो सिस्टर है उसे क्या करती है कजिन सिस्टर है उसकी मदद करती है स्कूल जाने के लिए नेक्स्ट अभी हमें किसके बारे में स्टडी करना है तारा अभी हमने पहले सीता के बारे में देखा अभी हमें कौन सी फैमिली के बारे में देखना है तारा सो तारा लिव्स विथ हर मदर एंड नाना इन राजकोट तो तारा किसके साथ रहती है उसकी मदर और उसके जो नाना है उनके साथ वो राजकोट में रहती है हर मदर मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड उसकी जो मदर है मीनाक्षी उन्होंने शादी नहीं की थी शी हैज़ एडोप्टेड तारा उन्होंने तारा को क्या किया था एडोप्ट किया था मतलब कि गोद लिया था मीनाक्षी गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग मीनाक्षी सुबह में ऑफिस जाती है और शाम को वो घर पर वापस आती है वैन तारा रिटर्न फ्राम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर जब भी तारा स्कूल से वापस आती है तो नाना उसकी देखभाल करते है ही इज द वन वू फिट्स हर हेल्प हर टू डू होमवर्क एंड अल्सो प्लेस विथ हर और उसके जो नाना है वो उसे खाना खिलाते हैं उसकी पढ़ाई में होमवर्क करने में मदद करते हैं और उसके साथ खेलते भी है ड्यूरिंग वेकेशंस गो टू फार ऑफ प्लेस एंड एंजॉय दैम सेल्स और वैकेशन के दरमियान ये तीनों जन क्या करते हैं घूमने जाते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं एट टाइम्स तारास मासी मासा एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू देयर हाउस और उसी दरमियान उसी टाइम पर उनके जो मासी मासा और उनके जो बच्चे हैं वो भी वहां पर आते हैं वैकेशन के दरमियान एट सच फॉर लॉन्ग आवर्स एंड चैट और उसे एट सच टाइम तो वैसे टाइम पर वो लोग क्या करते हैं? जब भी वो सभी साथ में मिलते हैं तो साथ में खेलते हैं घंटों तक और एक दूसरों के साथ बातें करते हैं थिंक एंड टेल वो टेक्स केयर ऑफ तारा हाउ तारा की देखभाल कौन करता है और कैसे सो so, तारा स्नाना मीन्स कि उसके जो ग्रैंड फादर है मेटरनल ग्रैंड फादर वो उसकी देखभाल करते हैं ही फीड्स हर हेल्प हर टू डू हर होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेज विथ हर उन्हें खाना खिलाते हैं तारा को और फिर उसकी पढ़ाई में मदद करते हैं और उसके साथ खेलते भी है वॉट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर्स डू टूगेदर फैमिली मेम्बर साथ में क्या करते हैं सो ड्यूरिंग वेकेशन थ्री ऑफ देम गो फार ऑफ प्लेस एंड देजॉयशन के दरमियान वो तीनों घूमने जाते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और फिर एट टाइम तारास मासी मासा एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू द हाउस एट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आर्स और फिर तारा के जो मासी मासा है वो वैकेशन के टाइम पे तारा के घर आते हैं तो वो सभी साथ में बैठ कर क्या करते हैं खेलते हैं और फिर दे चिटचट विथ ईच अदर और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं घंटों बैठ कर वो लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ बातें करते हैं सो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू स्टूडेंट बाय बाय